44वीं नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा आज ओंकारेश्वर से प्रारंभ हुई, जिसका पहला पड़ाव सनावद रहा। सनावद रात्रि विश्राम के बाद यात्रा कल टोकसर के लिए रवाना होगी। चारों ओर नर्मदे हर की गूंज सुनाई दे रही थी और वातावरण भक्तिमय हो गया। 44वीं नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा आज ओंकारेश्वर से प्रारंभ हुई, जिसका पहला पड़ाव सनावद रहा। सनावद रात्रि विश्राम के बाद यात्रा कल टोकसर के लिए रवाना होगी। चारों ओर नर्मदे हर की गूंज सुनाई दे रही है तथा वातावरण भक्तिमय हो गया है। नर्मदा परिक्रमा यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस प्रशासन व नगर सुरक्षा समिति के सहयोग से जगह जगह पुलिस व नगर सुरक्षा समिति के जवान तैनात है तथा पॉइंट भी बनाए गए हैं तथा यातायात की बेहतर व्यवस्था की गई है। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सनावद नगर पालिका द्वारा जगह जगह चलित शौचालय की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें पानी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसे लेकर यात्री हाथ धोने के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। नगर पालिका की उदासीनता के चलते रेलवे गेट से लेकर मंडी चौराहे तक बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते व आवारा पशु भी नजर आ रहे हैं, जो पंचक्रोशी यात्रियों के बीच बाधा उत्पन्न करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि बड़वा SDM मिलिंद ढोके, सनावद तहसीलदार रंजना पाटीदार व TI राजेंद्र सोनी के द्वारा लगातार व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। यात्रियों का रात्रि विश्राम कृषि उपज मंडी, लाल धर्मशाला, बावड़ी मंदिर सहित कई स्थानों पर की गई है। यात्रियों का जगह जगह चाय, पानी व स्वल्पाहार से स्वागत किया जा रहा है।